नमस्कार, मैं हूं सना फिरोज, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीजेपी को क्लीन चिट मिलते ही कांग्रेस पर लगातार पलटवार किया जा रहा है। अब जेडीयू प्रवक्ता ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि झूठ की राजनीति करने वालों के मुंह पर ये तमाचा है और उन्हें अपने झूठे आरोपों के लिए माफी मांगने की नसीहत तक दे दी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने। सही, तत्कालिक इसको तो राहत मिला, झटका वाला पार्टी है ये। इसको झूठ झूठ होता है और सच सच होता है। तो माननीय राहुल गांधी जी और आपके जो सहयोगी ट्विटर बबुआ हैं, ये लोग जो राफेल पर ट्वीट और जनसभाओं में सवाल खड़ा कर रहे थे, अब हम यह जानना चाहते हैं कि संविधान बचाने की बात करने वाले लोग, संविधान के न्यायपालिका पर आपका भरोसा है कि नहीं? तो न्यायपालिका ने निर्णय दिया है अगर, तो ये निर्णय के बाद आपको उन जनसभाओं में जहां पर आपने चुनावी लाभ के राफेल का मुद्दा उठाया था, वहां जाकर के साष्टांग दंडवत करके माफीनामा करिए। और माफीनामा जब जनता आपका कबूल करेगी कि नहीं, ये कबूलनामा पर विश्वास करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब लगातार कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है। पटना से संजीव आर्या की रिपोर्ट।